सभी का मेरे YouTube चैनल लता ब्लॉग उत्तराखंड में। लता विस्ट आज एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सुबह के 9 बज चुके हैं और थोड़ा आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, तो आज मैं पीसूँगी सुंठ की दाल। और सुंठ दो प्रकार के होते हैं, एक देसी सुंठ होते हैं, काले सुंठ को देसी सुंठ कहते हैं, और जो ब्राउन ब्राउन सुंठ होते हैं वो पहाड़ी दाल है, उसको पहाड़ी दाल कहते हैं। और देसी आज मैं बनाऊँगी देसी दाल की पटोड़े, देसी दाल के पटोड़े बनाने जा रही हूँ। और मैं मिक्सर में नहीं पीसूँगी, मैं पीसूँगी जैसे पुराने ज़माने के पीसते थे, एक पत्थर नीचे से एक पत्थर ऊपर से, तो बीच में दाल डालते थे, तो बीच में दाल पीसते थे वो लोग। तो मैं आज वैसे ही मैं भी सुंठ को पीसूँगी, देसी दाल को पीसूँगी, तो मैं देसी दाल के पटोड़े बनाने जा रही हूँ आज। तो मैं दिखाती हूँ आपको देसी दाल, और यह है देसी दाल और पहाड़ी दाल, सुंठ कहते हैं इसको पहाड़ों में। तो इसमें पीसेंगे, पहले पुराने ज़माने में इसमें पीसते थे घरिया वगैरह, तेल निकालते, तेल भी निकालते थे और चावल वगैरह पीसते थे आरसों के लिए, और दाल दूल भी इसी में पीसते थे, सारा आटा भी इसी में पीसते थे पहले ज़माने के लोग। पुराने ज़माने में नीचे का पत्थर दीवारों पे लगाया रहता था, तो मैंने भी देख रखा है, हमारा भी था। अब तो हमारा पुराना घर टूट गया है इसलिए वहाँ नहीं है, तोड़ दिया फिर। और ये तो मैं ससुराल में है, इसको ऐसे पीसते हैं, इसमें दाल डालते हैं, उसके बाद इसे ऐसे पीसा जाता है। तो मैं दिखाती हूँ कैसे डालते हैं, इसमें ऐसे दाल डाला जाता है और ऊपर का पत्थर उठा के, जो नीचे की लकड़ी है इधर उधर नहीं होना चाहिए ऊपर का पत्थर, तो इसको उठा के ऐसे ही रखना है और दाल पूरा अंदर डालनी है। और इसको आराम, पहले आराम आराम से घुमाना है और थोड़ा थोड़ा स्पीड ज़्यादा करनी है, इसके बाद दाल अच्छी पीसी जाती है इसमें। पहले आटे भी ऐसे ही पीसे जाते थे तो बारीक होता था इसमें आटा, ये तो छोटा है तो इससे बड़ा रहता था, इससे बड़े बड़े पत्थर रहते थे आटे पीसने के लिए और तेल निकालने के लिए। तो हो चुके हैं सुंठ के दो टुकड़े, और इसके बाद इसके छिलके उधर निकालेंगे, उसके बाद इसको भिगोने के लिए डालेंगे चावल के साथ। तो मैं जल्दी से पीस लेती हूँ। पटोड़े बनाने के लिए थोड़ा मोटे हो गए और मैं फिर से डाल रही हूँ उसको और फिर से पीस रही हूँ, क्योंकि पत्थर बहुत छोटे हैं, हमारे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे तो अच्छे पीसे जाते थे, और ये छोटे हैं तो इनसे ज़्यादा बारीक नहीं हो रहे, इसलिए मैं दोबारा पीस रही हूँ। मेरी दादी भी पीसती थी इसमें चावल, जब भी दादी को चावल का हलवा खाने का मन करता था तो दादी जल्दी से इसमें कोरे चावल पीस के फिर बनाती थी। दादी ने बहुत खाए हैं चावल का हलवा, मेरी दादी ने बहुत खिलाया हमको, और बहुत अच्छा स्वादिष्ट हलवा बनाती थी मेरी दादी जी पहले। आप तो नहीं है, दादी हमारे बीच स्वर्गवास हो चुके हैं, अब इन पत्थरों का कोई यूज़ नहीं करता है। और मेरे मायके में भी जब भी चावल या दाल पीसते हैं तो मिक्सी में ही पीसते हैं, इसमें नहीं पीसते हैं, तो वैसे ही पड़ रखे वहाँ भी, और यहाँ भी ऐसे पड़े हुए हैं। पर पीस गया है थोड़ा, इसको पीसना बाकी है, तो उसके बाद ये छिलके निकालने हैं। पतिदेव ने कहा कि मुझे आज पटोड़े खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा मैं पीस लेती हूँ, तो मैंने मिक्सी में नहीं पीसा, तो मैंने कहा मैं मिक्सी में नहीं, मैं जानवर में पीसती हूँ, तो पहाड़ों में इस पत्थरों को जानवर कहते हैं, तो मैंने इसी में पीसा, तो पीस चुका है पूरा, छिलके निकाल लेती हूँ। और इसके छिलके फेंकने नहीं है, ये गाय भैंस के लिए देने हैं, तो इसलिए मैं कढ़ाई में, भैंस की कढ़ाई है, तो भैंस की कढ़ाई में इसको छिलका अलग निकाल रही हूँ और दाल अलग कर रही हूँ। तो मैं जल्दी से इसको अलग कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं शाम को बनाती हूँ पटोड़े। और देखिए मैंने छिलके अलग कर दिए और दाने अलग कर दिए, और थोड़ा ये साबूदाना बच गया है, और ये बड़े पत्थर नहीं थे इसलिए इसमें कम पीसा गया है ये।
और आप छिलके दिखा दें, ये देखिए छिलकों को मैंने कढ़ाई में रखे हैं, भैंस की कढ़ाई में, और यहाँ पे धुआं लगा रखा है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मच्छर हो रखे हैं, तो इसलिए धुआं लगा रखा है यहाँ पे, गाय भैंस को मच्छर ना खाएं। और ये धुआं इधर नहीं आ रहा, गाय की तरफ नहीं जा रहा और इधर आ रहे हैं हमारी तरफ, और अंदर भी धुआं धुआं हो चुका है वहाँ पे, यहाँ भैंस बांधा है वहाँ पे। यहाँ पे मौसम देखिए काफ़ी ख़राब हो गया है, बारिश लगी हुई थी यहाँ पे तो अभी बंद हो गई बारिश, तो मैं ऊपर जाके दाल भिगोने के लिए रख देती हूँ। मैंने दाल को थाली में डाल दिया है, और ये पूरी दाल नहीं डालनी है भिगोने के लिए, आधी दाल डालनी है भिगोने के लिए और आधा चावल डालना है, और मैं थोड़ी पान में डाल देती हूँ भिगोने के लिए, तो मैं डालती हूँ दाल। मैंने डाल दिया 3 मुट्ठी दाल भिगोने के लिए और 3 मुट्ठी चावल डालना है, और जब ये दाल पूरा भीग जाएगा अच्छे से और चावल भी, तो इसको मिक्सी में पीसना है। और हमारा सिलौटा नहीं है, सिलौटा में पीस सकते हैं लेकिन यहाँ सिलौटा नहीं है, मायके में है, मेरे मायके में सिलौटा है तो हम वहीं पीसते हैं सिलौटे में, और यहाँ नहीं है सिलौटा तो मैं मिक्सी में पीसूँगी। अब डालना है इसमें पानी, तो आधा फ्री पान पानी भरना है क्योंकि दाल ज़्यादा फूलती है, तो इसलिए ज़्यादा पानी डालना है इसमें, तो मैं डाल लेती हूँ पानी। तो इसमें पानी डालने के बाद फिर ऊपर जो भूसा और जो छीटे हैं उसको, तो ऊपर आ जाएगा वो पानी, तो ऊपर आ जाएगा, तो इसको बन देना है, और दाल ज़्यादा फूलती है तो इसलिए अच्छी होती है पीसने के लिए, तो मैंने इतना ही पानी डालना है। ऊपर से ढक्कन रख देती हूँ ताकि इसमें कीड़े मकोड़े न जाएँ, नहीं तो कीड़े मकोड़े चले जाएंगे इसमें। शाम के 5 बज चुके हैं तो मैं दाल को देखती हूँ भीगे कि नहीं, तो अच्छे से भीग रखे हैं, तो जो इसका पानी है फेंक देना है, और देखिए कितने अच्छे से भीग रखे हैं, चावल भी अच्छे से भीग रखे हैं और दाल भी अच्छे से भीग रखे हैं, और जो उनके ऊपर के छिलके हैं देखिए कैसे ऊपर आ रहे हैं, तो उनको फेंक देना है। तो पानी निकाल देती हूँ मैं अब, और इसका पानी निकाल दिया मैंने, साफ धो लिया दाल को। अब मैं मिक्सी में दाल और चावल को पीस लेती हूँ, और मैंने मिक्सी में डाल रखी है हरी मिर्च और लहसुन, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और मैं अब इसको 2 मुट्ठी चावल और दाल डालती हूँ मिक्सी में, और दाल और चावल को बहुत बारीक करना है मिक्सी में, और मोटा करोगे तो पटोड़े अच्छे नहीं बनते हैं, बारीक करोगे तो बहुत अच्छे पटोड़े बनते हैं और बहुत ज़्यादा फैलते हैं तवा में। और मिक्सी के बर्तन में थोड़ा पानी डालना पड़ता है, नहीं तो मोटा हो जाएगा, पानी नहीं डालेंगे, पानी डाल के बहुत ज़्यादा बारीक होता है, तो इसलिए पानी डाल दिया मैंने। और मैंने पीस लिया पटोड़ों के लिए दाल और चावल, और मैंने रखा है तेल, और पटोड़े तेल में भी बना सकते हैं और बिना तेल के भी बना सकते हैं, तो मैंने तेल रखा है किनारों पर डालने के लिए। तो कल मिस्टर जी ने बनाया खाना क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार थे, और मैंने इसमें नमक मिर्च मिक्स कर लिया है, और मैं बना लेती हूँ अब पटोड़े। कम हो रहा था इसमें तो नमक डाल दिया मैंने, और नमक मिक्स कर लिया मैंने इसमें, तो अब बना लेती हूँ मैं पटोड़े। और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही आज, पता नहीं क्यों, और ऐसे बनाना है पटोड़ों को, तवे में पूरा डाल देना है और फिर करछी से ऐसे हिलाना है इसको, अपना आप बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा छिड़ आराम आराम से करना है इसमें, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, आराम आराम से फैलाना है इसको, अपने आप फैल जाएगा वो, और बहुत अच्छे पटोड़े होते हैं, बारीक होगा तो बहुत अच्छे होंगे, मोटा होगा तो दाल और ये मोटा बना होगा इसका पेस्ट, तो मोटे बहुत गंदे होते हैं, नहीं बनते उसके ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा तेल लगाना पड़ता है उस पर, तो इसलिए मैंने बारीक पीसा है, तो देखिए कितना अच्छा फैल रखा है। तो इसमें थोड़ा मैं तेल डाल लेती हूँ क्योंकि वो चिपक गए, फर्स्ट में चिपकता ही है तो चिपक गया है, थोड़ा 4 बूंदी तेल डालना है 4 कोने पे, देखिए ऐसे डालना है, तो बहुत अच्छे पटोड़े बनते हैं, ज़्यादा तेल नहीं लगा, ज़्यादा तेल लगाओगे तो गंदे लगते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो इतने तेल लगाने पे बहुत अच्छे पटोड़े बन जाते हैं। तो देखिए ऐसे के किनारों पे उल्टे करछी से, तो मैंने देखिए कितना अच्छा बन, ऐसे बीच ऐसे मारना है क्योंकि नहीं तो बीच से कच्चे रह जाएंगे, तो बन गए हमारे पटोड़े। तो देखिए मैं जल्दी से और पटोड़े बना लेती हूँ, और ज़्यादा तबीयत ख़राब भी हो रही मेरी, जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा फिर से, और पीछे से ऐसा मत सोचना कि कच्चे कच्चे नहीं है, पीछे से ऐसे ही होते हैं। तो बन के तैयार हो गया है, और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, परांठे जैसे दिख रहे होंगे लेकिन ये परांठे परांठे नहीं, परांठे परांठे से भी बहुत काफ़ी अच्छे होते हैं,
और देखिए पटोड़े कितने अच्छे दिख रहे और खाने में भी इतने ही अच्छे होते हैं। और पटोड़ों को धीमी आंच में पकाना चाहिए, नहीं तो ये कच्चे रह जाते हैं, और मैंने धीमी आंच कर रखी है, और नहीं तो खाने में बहुत ज़्यादा कच्चे और बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। और पटोड़े बना लेती हूँ। तो देखिए पूरे पटोड़े बन के तैयार हो गए हैं, और देखिए सबके लिए मैंने चार चार पटोड़े बना रखे, और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं दाल के पटोड़े। तो मैं सबके लिए खाना लगा लेती हूँ, और ठंडे पटोड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, इस पटोड़ों को गरम गरम ही खाना चाहिए। तो मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। और यह है पतिदेव की थाली, और सब्ज़ी बना रखी मैंने आलू लौकी और न्यूटी की। तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे, ठंडे बहुत गंदे होते हैं। फ्रेंड्स हमने खा लिया है खाना, आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।